सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, गत शैक्षणिक सत्र में हम सभी शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। गत वर्ष की भांति इस शिक्षण सत्र में भी हम सबको दीक्षा पोर्टल के तहत निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम से विभिन्न ट्रेनिंग पूरी करनी है। ये कब कब किस माह में कौन सी ट्रेनिंग करनी है, इस संबंध में इस वीडियो में जानकारी दी गई। लोगों में से कई लोगों ने गत वर्ष दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण लिया है। पिछली बार हमने मेंटल हेल्थ के कई मॉड्यूल्स जो थे वो रन किए थे। इस बार निष्ठा पोर्टल है, मतलब दीक्षा पोर्टल पर ही निष्ठा के नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स NCERT ने बनाए हैं और ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें 13 जो है वो मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि ये सभी जो मॉड्यूल्स हैं ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी प्राचार्य हैं, जो भी गैर शैक्षणिक स्टाफ है, गैर शैक्षणिक स्टाफ से मेरा मतलब है कि कोई स्पोर्ट्स टीचर है या म्यूजिक टीचर है, उन सभी के लिए अनिवार्य है। ये पहले साइड में जो आप देख रहे हैं 1 से लेके 12 तक के जो मॉड्यूल हैं, ये मॉड्यूल 100% टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए अनिवार्य है। जो सेकेंड साइड में आप देख रहे हैं पेडागोजी कोर्सेज जो हैं, उनमें जो कोर्सेज दिखाए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये सारे कोर्सेज सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है और साथ ही प्राचार्य के लिए भी आवश्यक है। इसमें उनको ये चयन करने का अधिकार है कि वो जिस विषय के शिक्षक हैं उस विषय का प्रशिक्षण वो ले सकते हैं। जैसे साइंस का जो प्रशिक्षण है वो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने साइंस में किया है वो सारे शिक्षक ले पाएंगे। ये ना कहें कि इसमें फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए हम साइंस का ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम एक डिटेल निर्देश भी जारी करेंगे, लेकिन ये सारे जो शिक्षक हैं 100% शिक्षकों को और प्राचार्यों को ये सारे कोर्सेस करने हैं। ये सारे कोर्सेज जो है वो 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं, 1 अगस्त से। प्रक्रिया आप सब लोगों को पता है, अभी हम आगे आपको नीरज जो है वो आगे आपको इसकी प्रक्रिया भी बताएंगे कि इसमें कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे करना है। तो 1 अगस्त से ये सारे कोर्सेज शुरू होने वाले हैं और ये कोर्सेज चलने वाले हैं फरवरी तक, क्योंकि 1 के बाद दूसरा कोर्स आप कर पाएंगे। और इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई शिक्षक या प्राचार्य जो कोर्स वो कर रहे हैं, जो मॉड्यूल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें यदि उनके 70% से कम अंक आते हैं तो उन्हें वो मॉड्यूल दोबारा करना होगा। और सभी मॉड्यूल पूरे करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ से प्रदान किया जाएगा। तो ये कोर्सेज सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, न केवल शासकीय शालाओं की बल्कि ये अशासकीय शालाओं के शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य है, उनके प्राचार्यों के लिए भी अनिवार्य है। तो जिला शिक्षा अधिकारियों से मेरा अनुरोध है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में निर्देश भी प्रसारित करेंगे, कि सभी जो अशासकीय शालाएं हैं, शासकीय शालाएं हैं, सभी के शिक्षकों एवं प्राचार्यों को इस इन मॉड्यूल्स को पूरा करना अनिवार्य है। और जो समय सीमा है वो 1 अगस्त से शुरू होने वाली है, आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि इसमें फेज 1 जो लिखा हुआ है 16 से 31 जुलाई प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन था, उसी के संबंध में आज ओरिएंटेशन हो ही रहा है। 1 अगस्त से आप देख रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है फेज 2। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको 3 मॉड्यूल करने हैं जेनरिक कोर्सेज के, 1, 2, 3। ये सभी टीचर्स और प्राचार्यों के लिए आवश्यक है, सभी को सभी मॉड्यूल करने हैं। इसी प्रकार से जो फेज 3 होगा 1 से 30 सितंबर तक होगा, जिसमें 4, 5 और 6, मतलब 1 माह में आपको 3 मॉड्यूल अनिवार्यतः पूरे करने हैं। जो शिक्षक या प्राचार्य इन मॉड्यूल्स को गंभीरता से नहीं करेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि इसमें भारत शासन के बहुत कड़े निर्देश हैं कि सभी शिक्षकों को पूरी तन्मयता के साथ ये प्रशिक्षण देने हैं। इसीलिए हम इस साल अभी कोई भी अन्य
प्रशिक्षण करने नहीं जा रहे हैं और ये सारे ऑनलाइन प्रशिक्षण है। इन ऑनलाइन प्रशिक्षण को शिक्षक जब भी फ्री हो तब कर सकते हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको उसी टाइम पे करना है, लेकिन एक महीने में 3 मॉड्यूल प्रत्येक शिक्षकों को और प्राचार्यों को सभी को करने हैं। ये फेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट फेज जो है वो 28 फरवरी तक खत्म होगा और उसके बाद फिर जो शिक्षक होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप में से अधिकांश लोगों को ये जानकारी है कि दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कैसे इन कोर्सेज को पूरा करना है, लेकिन फिर भी मैं नीरज से अनुरोध करूंगी कि वो इसके बारे में आपको एक ओरिएंटेशन दे दे, ताकि सभी जो शिक्षक और हमारे जो प्राचार्य साथीगण हैं वो सभी इसको देख लें और 1 अगस्त से जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तब से अपना जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करें। नीरज, दीक्षा, जैसा कि मैम ने बताया कि टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, ये भारत सरकार का एनसीईआरटी सीआईईटी के द्वारा तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को मोबाइल ऐप जो दीक्षा ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दीक्षा के नाम से DIKSHA, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जानकारी मांगी जाएगी आपसे। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो ये कि हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन खुद कराएं या फिर जानकारी जो है वो स्टेट सिस्टम से उठाए। जैसे लास्ट में आप देख रहे हैं, तो जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे मध्य प्रदेश में एजुकेशन पोर्टल में सभी टीचर्स की जानकारी है और सभी टीचर्स के यूनिक आईडी और पासवर्ड सभी टीचर्स के पास हैं। वो लोग अपनी ई सेवा पुस्तिका अपडेट करते हैं, देखते हैं। तो ये चीज ऐसी है कि जो एजुकेशन पोर्टल में यूज की जा रही है टीचर्स के द्वारा यूनिक आईडी पासवर्ड, वही यूनिक आईडी पासवर्ड उनको इस दीक्षा मोबाइल ऐप पर डालना है। तो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है लॉग इन विद स्टेट सिस्टम, जैसे ही वो लॉग इन विद स्टेट सिस्टम सिलेक्ट करेंगे उनको मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद उनको अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही वो यूनिक आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो लॉगिन हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। अच्छा, मैं जैसा कि मैम ने बताया कि 9 से 12 तक के प्रशिक्षण कोर्सेस हैं, सभी लोगों को अनिवार्य है। प्रिंसिपल्स हों चाहे टीचर्स हों या अदर टीचर्स हैं जो गेम्स के, स्पोर्ट्स के, म्यूजिक के, वो लोग भी कर सकते हैं। एक स्नैपशॉट दिखाया है आपको कि जो कोर्सेस हैं वो किस तरह के, जैसे कि आपको दिख रहा है इकोनॉमिक्स के कोर्स है, इंग्लिश का है, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी का है, बिजनेस स्टडीज का है, जो भी सब्जेक्ट है टीचर्स के, जिस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हैं तो वो साइंस में करना चाहते हैं या मैथ्स में करना चाहते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करें और वो कोर्स पूरा कंप्लीट करें। कोर्स जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद में लास्ट में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण के हस्ताक्षर होंगे और वो सब जानकारी पोर्टल पे भी रहेगी, हमारे पास भी रहेगी। प्रदेश में कौन कौन से शिक्षक हैं हमारे यहाँ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में और उसके अगेंस्ट कितने टीचर्स ने कोर्स किया है, तो प्राचार्यों की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में इस तरह का नोटिस, यहाँ से भी हम लोग गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और प्राचार्य भी सबको कम्युनिकेट करें कि इस तरह के कोर्स अनिवार्य है, सभी टीचर्स को करना है ये कोर्स। धन्यवाद नीरज। जैसा आप लोगों ने देखा आज जो जिन 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जब जो हमारे स्कूल खुल गए हैं उन स्कूलों में हमारे विद्यार्थियों की जो का जो निरंतर अभ्यास और अध्ययन होना चाहिए उसको हमको कैसे सुनिश्चित करना है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है और साथ ही जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है उसके बारे में भी चर्चा हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो आप लोगों ने आज का ये प्रेजेंटेशन देखा होगा और ध्यान से और सभी तक ये संदेश आप पहुँचाएंगे कि अब हमारे विभाग की जो का जो दायित्व है वो कितना अधिक बढ़ गया है COVID-19 के संक्रमण के बाद। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर अच्छी तरह से इस तरह से प्रयास करें कि हम जो हमारा लॉस हुआ है उस लॉस की प्रतिपूर्ति करके हम उसको और आगे तक कर सकें और हम अपने विद्यार्थियों को एक बेहतर भविष्य दे सकें।